Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Highway Institute for Computer Science and Linguistics. मैंने अपने कोर्सेज के इंट्रोडक्टरी वीलॉग में जैसा कि बताया था कि मैं हर कोर्स के लिए अलहदा से एक डिटेल वीलॉग प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं हर कोर्स का एक डिटेल ओवरव्यू आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 माह का कोर्स है और डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इसको हम 3 माह तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 2 माह कम्प्लीट होने पर अगर हमें लगता है कि नहीं, अभी स्टूडेंट को मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसी कोर्स को 3 माह तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि ये कोर्स किन लोगों के लिए सूटेबल है, तो उसमें सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो डिबेट्स में और स्पीचेस में पार्टिसिपेट करते हैं और या करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बहुत आइडियल है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स में स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड करता है और उनमें एक सेल्फ ड्रिवन अप्रोच क्रिएट करता है ये कोर्स। उसके बाद बात करें तो कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि जॉब करते हैं, कहीं बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करते हैं, ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जो कहीं पे बात करते हुए हेजिटेट करते हैं, घबरा जाते हैं, बात नहीं कर पाते, बात करने को बहुत कुछ है लेकिन अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते, वो इस तरह के तमाम वर्किंग प्रोफेशनल इस कोर्स में पार्टिसिपेट करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स है क्या, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसमें क्या किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो एक कॉमन परसेप्शन आती है वो ये आती है कि हम जाएंगे, हमें कोई वोकैबुलरी की बुक दे दी जाएगी या हमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की बुक दे दी जाएगी, हमें कोई ग्रामर की बुक दे दी जाएगी और उसको हम याद करेंगे और उस इंस्टीट्यूट में जाकर प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम फर्फर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जैसे कि अक्सर इंस्टीट्यूट अपने एडवर्टीजमेंट्स के अंदर ये स्लोगन भी यूज़ करते हैं, फर्फर इंग्लिश बोलना सीखें। और सिर्फ परसेप्शन नहीं बल्कि अमूमन ऐसा होता भी है कि जो इदारे ये कोर्स करवाते हैं स्पोकन इंग्लिश का, वो स्टूडेंट्स को कुछ बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो याद करें और स्टूडेंट्स आपस में उसकी प्रैक्टिस करें और इस तरह से 2 माह गुजारते जाते हैं और स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपका कोर्स कम्प्लीट हो चुका है। तो ये स्पोकन इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज बेस्ड कोर्स नहीं है या वो एक लिटरेचर बेस्ड या एक वो ग्रामर बेस्ड कोर्स नहीं है, वो एक स्किल्ड कोर्स है जिसमें ये अप्रोच मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए 2 स्किल्स को एड्रेस करना जरूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश लिसनिंग। ये 2 स्किल्स के ये 2 एबिलिटीज ऐसी एबिलिटीज या ऐसी स्किल्स हैं जो एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हैं। कैसे? कोई भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, हम उसी तरह से बोलते हैं जैसा हम उसे सुनते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज को जिस तरह से हम अपने टीचर्स के मुंह से या जैसे जिस तरह हम अपने ट्यूटर्स के मुंह से सुनते हैं वैसा ही हम इंग्लिश को बोलते हैं। या अगर हम अपनी मदर लैंग्वेज की बात करें तो घर में जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सिखाया नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज सीखते हैं। किस तरह सीखते हैं, क्यों सीख लेते हैं? तो यही रीजन है कि उसको हम सुन सुन के, लिसन कर करके हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं, यानी कि जैसा हम उस लैंग्वेज को सुनते हैं वैसा ही हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश में एक्सपर्ट होने के लिए जरूरी है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के साथ साथ इंग्लिश लिसनिंग स्किल को भी अच्छी तरह से एड्रेस किया जाए और उस पर अच्छी तरह से ग्रिप हासिल की जाए। तो इन 2 स्किल्स यानी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लिसनिंग, इन 2 स्किल्स के साथ साथ आपके पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। उनमें सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस। इसके लिए कुछ टास्क होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो सके। उसके बाद जरूरत होती है एक्सेंट के, आप उसको बोलते कैसे हैं, इंग्लिश अल्फाज को जब आप अदा करते हैं तो कैसा प्रोनाउंस करते हैं, नेटिव लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फ़र्क क्या होता है, अमेरिकन कैसे बोलते हैं, ब्रिटिश कैसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन कैसे बोलते हैं, हमने कैसे बोलना है, तो ये सारी चीज़ें इस स्किल में कवर की जाती हैं एक्सेंट के अंदर। उसके बाद है फ्लुएंसी, कि हम कितना फ्लुएंटली बोलते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो जब हमने कुछ बोलना होता है तो पहले हम अपने जहन में सोचते हैं, सोच के फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करने के बाद फिर हम उसको बोलते हैं। तो इससे फ्लुएंसी मेंटेन नहीं हो सकती। फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए
फिर वही बात है कि हमें कुछ टास्क पर काम करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब हम एक दो माह तीन माह जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, तो हम ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाते हैं इंग्लिश बोलने में। उसके ये तीन मेन स्किल्स हैं जिनको एड्रेस किया करना जरूरी होता है या एड्रेस किया जाता है इस लैंग्वेज इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर। सबसे एंड पर ग्रामर की बात आती है। अगर लगता है किसी स्टूडेंट को जरूरत है कि किसी या स्टूडेंट खुद कहता है कि मैं ग्रामर में वीक हूँ और मुझे जरूरत है कि मुझे ग्रामर भी सिखाई जाए, तो बिल्कुल सिखाई जा सकती है। या हमें अगर लगता है कि किसी स्टूडेंट को ग्रामर इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो हम उसको ग्रामर भी साथ सिखाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस, इन चारों स्किल्स की प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे कराई जाती है इंडिविजुअली। उसमें ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप बैठे और आप उसमें प्रैक्टिस करें, नहीं, इंडिविजुअली हमारा हर स्टूडेंट टीचर के साथ इंडिविजुअली उस प्रैक्टिस टास्क के अंदर पार्टिसिपेट करता है। उसको कुछ टास्क दिए जाती हैं और हर टीचर हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली एंगेज करता है उस टास्क को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो ये था हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ओवरव्यू, एंड आई होप कि आपको हर तरह का एक क्लियर आंसर मिल चुका होगा कि हम ये कोर्स किस तरह करवाते हैं और इस कोर्स में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं। अगर मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।